हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। दोस्तों एसएससी एमटीएस के जो फॉर्म है दोस्तों 2023 के फुल हो चुके हैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों एंड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जब आपका फॉर्म है दोस्तों फॉर्म फिल हो चुका है, आपकी पेमेंट भी हो चुकी है, जब आप यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और आप अपना यहाँ पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है और दोस्तों पासवर्ड है इसको यहाँ पर फिल करने के बाद आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखा दूँ कि आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर लिखकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका लिखकर आ जाता है रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कंप्लीट हो गया है, बट दोस्तों यहाँ पर लिखकर आता है कंटेंट नॉट वेरीफाई एंड फोटो एंड सिग्नेचर भी दोस्तों यहाँ पर अपलोडेड दिखाता है, बट इसके आगे लिखकर आता है कंटेंट नॉट वेरीफाई। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखकर आता है अप्लाई फॉर्म, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आता है, बट दोस्तों यहाँ पर लिखकर आता है कंटेंट नॉट वेरीफाई। ये सारी दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टेटस है इसमें भी दोस्तों आपका एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है बट कंटेंट नॉट वेरीफाई लिखकर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या दिक्कत है, क्या आपका दोस्तों फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो जाएगा या हमारा फॉर्म दोस्तों सही से फिल नहीं हुआ है, आज की वीडियो में सारा डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों एसएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर दोस्तों आपको लिए चलते हैं, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बारीकी से बताएंगे और आप उस वीडियो में जो भी जानकारी पाएंगे तो दोस्तों आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एसएससी एमटीएस का दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एसएससी की वेबसाइट है दोस्तों डाउनलोड किया गया है। ये दोस्तों मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। जब आप इस नोटिफिकेशन पर रीड करेंगे, आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो 24 नंबर का एक कॉलम मिलेगा ये दोस्तों आपको दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डिटेल्स है उसके जस्ट ऊपर ही आपको एक 24 नंबर का एक कॉलम मिलता है जिसमें आपको दिया गया है व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। जब आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा इट विल बी एक्सेप्ट प्रोविजनली एंड स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी इंडिकेटेड। दोस्तों जब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा प्रोविजनली एंड दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आपके स्टेटस में आपके एप्लीकेशन स्टेटस में इंडिकेट होगा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड कंटेंट नॉट वेरीफाई। ये दोस्तों एसएससी की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल तरीके से बताया गया है कि जब आपका जो फॉर्म है यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है जो सक्सेसफुल जैसे ही सबमिट होगा तो दोस्तों आपको आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका जो एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट शुड बी टेक प्रिंट आउट, यानी कि कैंडिडेट जो भी दोस्तों आप कैंडिडेट हैं यानी कि जो भी आप स्टूडेंट हैं आपने अपना फॉर्म फिल किया है तो आपको अपना जो प्रिंट आउट है उसे ले लेना चाहिए ऑफ द एप्लीकेशन। आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड के लिए। प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिटेड द कमीशन, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो कमीशन की वेबसाइट या फिर कमीशन एसएससी के थ्रू आपको कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर यू मे रिकॉर्ड प्रोवाइड प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू एड्रेस ग्रीवेंस रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ एनी। दोस्तों आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर दोस्तों जब आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपके स्टेटस में दोस्तों इंडिकेटेड करा दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है एंड दोस्तों उसके आगे आपको लिखा दिया गया कंटेंट अभी वेरीफाई नहीं किया गया है एसएससी के थ्रू, यानी कि दोस्तों आपका फॉर्म तो रिसीव्ड हो चुका है बट दोस्तों आपके फॉर्म का जो कंटेंट्स यानी जो भी आपने ब्यौरा दिया है वो भी वेरीफाई नहीं है। वो कब वेरीफाई होगा, तो दोस्तों जब आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियल तरीके से अपलोड हो जाएंगे तो दोस्तों आप जब चेक करेंगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा और दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। बट दोस्तों किसी किसी कंडीशन में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर दोस्तों अनकम्प्लीट लिख कर आता है या फिर पेंडिंग लिख कर आता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका चाहे आपका कंटेंट ऊपर लिखा हुआ नॉट वेरीफाई हो या ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर अनपेड आता है या इनकम्प्लीट आता है या फिर दोस्तों पेंडिंग आता है तो दोस्तों आपका फॉर्म प्रोविजनली भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, ये दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है और ये सारे कंप्लीट दिए गए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म दोस्तों एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है। कंटेंट वेरीफाई होने में दोस्तों आपका टाइम लगता है जिससे दोस्तों आपके एडमिट कार्ड होते हैं, एडमिट कार्ड जब अपलोड होते हैं तो आपका कंटेंट दोस्तों वेरीफाई हो जाता है। ये दोस्तों एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों दिया गया है, मैंने आपको अभी पीछे बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर इसमें किसी में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड नहीं हुए हैं, अनअपलोडेड हैं, अप्लाई फॉर्म दोस्तों कम्प्लीट इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, तो दोस्तों आपका फॉर्म दोस्तों
नहीं एक्सेप्ट किया गया है, प्रोविजनली भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो आपका फॉर्म 110% रिजेक्ट होगा ही होगा। अगर ये है दोस्तों आपका वेरीफाइड हो चुका है, कंप्लीट है, कंटेंट नॉट वेरीफाई लिखा है, कंप्लीट है, कंटेंट नॉट वेरीफाई लिखा है, ये भी कंप्लीट है, और आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है कंटेंट नॉट वेरीफाई, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म दोस्तों 100% आपका जो फॉर्म है दोस्तों अप्रूव किया गया है और प्रोविजनली भी एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारा दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें एप्लीकेशन रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाई करा रहा है, तो हम क्या करें, क्या हमारा वो जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि किन किन कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आई होप आप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।